ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हुजूर, निकाह का वक्त बीत चुका है, अब दुल्हन आ भी जाए तो कोई फायदा नहीं, फायदा नहीं। नहीं हो, एक राजकुमारी हो, एकांत में कारीगर से बात क्या कर रही थी तुम? बोलो। ऐसे कोई बात नहीं। बालक नहीं है हम राजा हैं। प्रजा की आंख में देखकर पता लगा लेते हैं कि उन्हें क्या कष्ट है। तुम तो हमारी पुत्री हो। हमें ज्ञात हुआ है कि वो कारीगर कुछ दिनों पहले तुमसे मिलने के लिए प्रयासरत था। क्यों भगवानदास, सूर ले जाओ हमारी दृष्टि से इसे। हम इसका मुख तक नहीं देखना चाहते। और तुरंत ढूंढ कर निकालो उस कारीगर को, हमारे सामने प्रस्तुत करो शीघ्र से शीघ्र। आपकी बेटी अपने आशिक के साथ भाग गई राजा भारमल जी। वो एक अदने से कारीगर को चाहती थी, ये बात आपको मालूम थी ना? आप हमारे ससुर हैं, आमिर नरेश। हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, बस सच जानना चाहते हैं। शहंशाह, हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी इस तरह का कोई कार्य करेगी। तो फिर आपने उसे अचानक आगरा क्यों भेजा? हमारा पैगाम मिलते ही तोड़े क्यों चले? इस रिश्ते के लिए फौरन हाँ क्यों करते? क्योंकि आप जानते थे कि आपकी बेटी एक अधने से कारीगर को चाहती थी, जो कि आपके शान के खिलाफ था, जो आपकी जात के लिए माकूल नहीं था। इसलिए आपने अपनी बेटी का रिश्ता फिर से मुकल में करवाना चाहा, क्योंकि आपको अपनी मुश्किलात का हल हमारी बेइज्जती में दिखा। खैर, आप हमें अच्छी सलाह देते आए हैं, इसलिए बताइए इस घर के लिए क्या सजा दें आपको? हमारी बेटी ने हमारे वंश और मुगल सल्तनत का अपमान किया है, और इसका उत्तरदायित्व हम अपने सर लेते हैं। और इसके लिए आप जो भी दंड हमें देंगे स्वीकार है। आपने अपनी बेटी का निकाह उसके मर्जी के खिलाफ करना चाहा, और वो भी हमारे खानदान में। ये आपका गुनाह है। मुगल मनसबदार होने के बावजूद आपने ये बात अपने बादशाह से छुपाई, ये आपका कानूनन गुनाह है, और मुगल कानून के मुताबिक आपको सजा मिलेगी राजा भारमल जी। राजा भारमल जी को कैदखाने ले जाया जाए। ये आप क्या कर रहे हैं भाईजान? जो कुछ भी हुआ उसमें राजा भारमल की क्या गलती थी? पर उन्होंने ये गुनाह कबूल किया है मिर्सा।
लेकिन भाईजान वो आपके ससुर थे। शरफुद्दीन हमारा बहनोई है और बख्शी बानो हमारी बहन है, लेकिन उसके बावजूद जब बात इंसाफ की आई तो हमने उन्हें सजा दी। इंसाफ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है मिर्जा, जिसने गुनाह किया है उसे सजा मिलेगी, यही कायदा है, यही उसूल है। या अल्लाह, भाग गई शिवानी शहजादी और देखने में कितनी मासूम लगती थी। अक्सर मासूम चेहरों के पीछे ही शातिर दिमाग होते हैं। हम भी वही सोच रहे हैं कि शहंशाह अब क्या करेंगे। बहुत गुस्से में है, अब तो सब और उनकी रुसवाई होगी। आपने सुना है, शहंशाह ने राजा भारमल को कैद खाने भेज दिया है, उन्हें ताजिर के गुनहगारों में शामिल किया है, जल्द ही उन्हें सजा भी दी जाएगी। बेगम रुकैया जलाल इंसाफ पसंद शहंशाह है, आखिर राजा भारमल को सजा दे ही दी। हाँ, क्योंकि जलाल की नजरों में गुनहगार जोधा बेगम के घर वाले हैं, जोधा बेगम नहीं। बेगम रुकैया, हमने तो सुना था कि राजा भारमल को बहुत नाज था अपनी बेटियों पर। और बेटी ने ऐसा गुल खिलाया कि वालिद को ही कैद करवा दिया। मानना पड़ेगा, कमाल की होती है राजवंशी शहजादियां। जब अपने ही घाव दे तो कोई औषधि काम नहीं आती। हमारे अपने पिता और बहन ने चला हमें, इस घाव को लेकर सदा जीना होगा हमें। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, मिर्जा हकीम आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। भेजो ले। आदाब भाईजान। जो हुआ उस बात का मैं बेहद अफसोस है, और अफसोस इस बात का है कि ऐसा करने वाले हमारे ही रिश्तेदार हैं। कहो मिर्जा, क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए? राजा भारमल को रिहा कर दीजिए भाईजान। उन्हें हमारे खानदान की रसवाई की, ना सिर्फ हमारे पर कि तुम्हारे दिल को भी तो तोड़ा है, इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे। वो शिवानी भी इस गुनाह में बराबर की भागीदार है। और जोधा भाभी जान, उनका क्या कसूर है भाईजान? बेगुनाह होने के बाद भी उन्हें इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है। भाईजान, मुगल कायदे हैं कि वालदे की गलती की सजा उनके बच्चों को नहीं दी जाती, और ना ही बच्चों की गलती की सजा वालदे को। मरहूम जन्नत आशियानी अब्बा हुजूर और फिरदौस मक्कानी दद्दा हुजूर की भी यही हिदायतें हैं। राजा भारमल को सजा नहीं दे सकते भाईजान। हमें मत सिखाओ क्या करना चाहिए क्या नहीं। राजा भारमल ने पूरे हिंदुस्तान के सामने हमारे खानदान की, मुगल सल्तनत की बेइज्जती की है, और उस लड़की को ढूंढ कर हम उसे सजा देंगे, क्योंकि जब हमने उससे पूछा था तो उसने क्यों नहीं बताया कि वो किसी और को चाहती है। वो किस मुंह से कहती है आपसे भाईजान? शायद सबके सामने ऐसा बोलने से उनकी तहजीब ने उन्हें रोक दिया। कौन सी तहजीब मिर्जा? किस तहजीब की बात कर रहे हो? अगर उस लड़की में तहजीब होती तो आज वो ये हरकतें नहीं करती। ऐसा कैसे भाईजान? शिवानी मोहब्बत में गिरफ्तार थी, आप इतना भी नहीं समझ पाए? इसलिए तो उसने अपने वालिदे, अपने खानदान, अपना मुस्तकबिल, यहां तक कि अपनी जिंदगी के बारे में भी नहीं सोचा। मोहब्बत बेवकूफ ने कारीगर के लिए मुगल खानदान को ठुकरा दिया है। मोहब्बत फकीर या शहजादा,
मजहब या जात के बीच कोई फर्क नहीं देखती। हमने भी तो मजहब की परवाह किए बिना एक राजवंशी शहजादी से मोहब्बत की। एक बात और भाईजान, मोहब्बत कभी किसी को तकलीफ नहीं देती। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है मिर्जा? क्या हमें तकलीफ नहीं पहुंची है? बेशक आपको तकलीफ हुई है भाईजान, लेकिन आप उस तकलीफ के बारे में नहीं सोच रहे जिससे शिवानी ने हमें बचा लिया। अगर ये सब निकाह के बाद हमें मालूम चलता तब क्या होता? तीन जिंदगियां तबाह हो जाती भाईजान, हमारी, शिवानी की और तेजवंत की। बेशक आपको भी तकलीफ होती, लेकिन जिंदगी भर हमें यह अफसोस रहता कि जिसकी आंख में हम अपनी तस्वीर देखना चाहते हैं, जिंदगी भर उसकी आंखों में हमें तेजवंत का अक्स नजर आता। इस बात से हमें ठेस जरूर पहुंची है भाईजान, लेकिन हम इससे उबर जाएंगे। निकाह के बाद अगर हमें यह मालूम चलता तो हमारा दिल टूट जाता भाईजान। वैसे हमें मोहब्बत पर यकीन नहीं क्योंकि दिल नहीं है हमारे पास, लेकिन हमें है और एक दिन आपको भी होगा भाईजान। और उस दिन आपको समझ में आएगा कि शिवानी ने ऐसा क्यों किया। उस दिन आपको समझ में आएगा कि मोहब्बत क्या होती है भाईजान। मोहब्बत इंसान को इतनी ताकत देती है कि एक फकीर भी शहंशाह के आगे सीना तान के खड़ा हो जाता है, और मोहब्बत ही इंसान को इतना कमजोर भी बना देती है कि एक बादशाह सबके सामने घुटने टेकने को मजबूर हो जाता है। गुस्ताखी माफ शहंशाह, जोधा बेगम आपसे मिलना चाहती हैं। भाईजान, हमें सच में शिवानी से कोई भी शिकायत नहीं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। और अगर आपने शिवानी, तेजवंत या उनके किसी भी अपने का कुछ भी बुरा किया तो हमें सबसे ज्यादा बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि यही मोहब्बत है भाईजान। आप जिसे चाहते हो उसे चाहकर भी तकलीफ नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि अगर उन्हें तकलीफ हो तो दिल खुद का दुखता है भाईजान। आप राजा भारमल जी को सजा देना चाहते थे ना, उन्हें तो सजा मिल गई भाईजान। एक राजा को कुछ देर कैद में रखा, इससे बड़ी और क्या सजा हो सकती है उनके लिए? मिर्जा, भाईजान, राजा भारमल हमारे गुनहगार है, और ये आप ही का कायदा है ना कि गुनाह करने वाले को सजा देने का सबसे ज्यादा हक उसी का होता है जिसके साथ जाती हो। इसीलिए आदम खान को रुकैया भाभी जान ने खुद मुआफ किया था। राजा भारमल को मुआफ करना चाहते हैं भाईजान। आपका भाई आपसे बस इतना ही चाहता है। जो कुछ भी हुआ उससे हम बहुत आहत हैं, और बापू साहब, परंतु उनका दोष इतना बड़ा भी नहीं कि आप पहचान। मोहब्बत इंसान को इतनी ताकत देती है कि एक फकीर भी शहंशाह के आगे सीना तान के खड़ा हो जाता है, और मोहब्बत ही इंसान को इतना कमजोर भी बना देती है कि एक बादशाह सबके सामने घुटने टेकने को मजबूर हो जाता है। क्योंकि यही मोहब्बत है भाईजान। आप जिसे चाहते हो उसे चाहकर भी तकलीफ नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि अगर उन्हें तकलीफ हो तो दिल खुद का दुखता है भाईजान। जब बिना कुछ कहे क्यों चले गए? जोधा संभाली अपने आप को। कैसे संभाले पोती? बापू साहब के अनुचित मौन के कारण कितना हाहाकार मच गया। ना केवल आमेर कलंकित हुआ बल्कि मुगल सल्तनत के सम्मान पर भी प्रहार पहुंचा।
अम्मी जान हमें अपनी बेटी समझती है और वापस जीवन भर अब हमें ताने सुनने पड़ेंगे। पहले हमें गर्व महसूस होता था अपने आप को आमेर की राजवंशी बताकर, हमारा चेहरा चमक जाता था। दोष हमारा ही, हमें ना तो शिवानी के विवाह का प्रस्ताव शंशा के पास लेकर जाना चाहिए था और ना ही हमें शिवानी को मंदिर ले जाना चाहिए था। अपने आप को दोष मत दीजिए जोधा, आपकी मंशा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। तो फिर किसको दोष दे? अपने भाग्य को जिसने हमें चलाए, या फिर अपनी बहन या बापूसा को जिन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है? दोष उन लोगों का भी नहीं है जोधा, परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई थी। राजसा के स्थान पर कोई भी पिता होते तो वो भी यही करते। कुल की मर्यादा और बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने मौन साधा, नहीं तो फिर वो ऐसा क्यों करते? नहीं मोती, हम उस कुल से नहीं जहां पर झूठ की नींव पर संबंध बनाए जाते हो। बापूसा ने ऐसा करके न केवल अपने आप से बल्कि शहंशाह से, मिर्जा हकीम से और हमारे साथ भी विश्वासघात किया। कम से कम उन्हें हमें तो सच बताना चाहिए, हमें तक नहीं बताया उन्होंने। यदि वो आपको बता देते तो क्या करती आप जोधा? शिवानी को समझाते हम, और यदि वो नहीं समझ पाती तो हम इस संबंध को इतना आगे ही नहीं बढ़ने देते। कम से कम दोनों कुल की मर्यादा, दोनों कुल के मान की रक्षा तो हो जाती ना। गुस्ताखी माफ हो जोधा बेगम। कहो, शहंशाह ने कोई संदेश भिजवाया है? नहीं बेगम साहिबा, मगर मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं, शहंशाह ने आपके वालिद को रिहा कर दिया है और उन्हें आमिर जाने की इजाजत भी दे दी है। देखा मोती, शहंशाह ने एक बार फिर से अपना बड़प्पन दिखाया। माँ साहब, हमें आमेर के लिए तुरंत प्रस्थान करना होगा। जोधा से मिले बिना? किस मुख से मिलेंगे उससे? मल्लिका आजम, मरियम मकानी, हमीदा बेगम तशरीफ ला रही हैं। मल्लिका आजम, शिवानी ने इतना बड़ा अपराध किया है, समझ में नहीं आता कि हम आपसे कैसे क्षमा मांगे। माफी की कोई जरूरत नहीं है राजा साहब, एक राजा होने के साथ साथ आप वालिद भी हैं। आपका दर्द, आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं। कोई भी राजा ये नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी की शादी एक कारीगर से हो, उनके खानदान से नीचे खानदान में हो। जो कुछ भी हुआ उसकी तकलीफ जितनी हमें है उतनी ही तकलीफ आपको भी है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। नहीं मलिका आजम, कहीं ना कहीं हमारे लालन पालन में ही कमी रह गई। जब तो शिवानी ने हम सबका सर झुका दिया, अब मिर्जा हकीम, उन्होंने कितनी उदारता दिखाई, ये सब आपके लालन पालन का परिणाम। आप अपनी परवरिश को मत कोसिए, हमारी जोधा की परवरिश भी आप ही ने की है। कभी कभी कुछ बच्चे नादानी में कुछ ऐसा कर गुजरते हैं। खैर, हम यही इल्तजा करने आए थे कि आप लोग एक दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। कल शिवरात्रि है, आप लोगों का बड़ा त्योहार है, आप लोग रुक जाएंगे तो जोधा को अच्छा लगेगा। आपके इस बड़प्पन की प्रशंसा कैसे करें समझ में नहीं आता। आपको न करने का साहस तो नहीं है, किंतु इतनी शक्ति भी नहीं है कि इस झुकी हुई दृष्टि के साथ एक दिन आपके साथ व्यतीत कर सके। हमें क्षमा कीजिएगा, यहां पर बीतता प्रत्येक क्षण हमें अपनी ही दृष्टि में छोटा करता जा रहा है। भविष्य में यदि अवसर मिला और यह घाव भर गया तो हम आपके दर्शन के लिए अवश्य आएंगे। आज्ञा। हम दुआ करेंगे कि यह मौका जल्द ही आएगा। जोधा बेगम तशरीफ ला रही हैं। आप लोग जा रहे हैं, कुछ पल जोधा के साथ गुजारिए, हम इसमें दखल नहीं देना चाहेंगे।
बापू साहब, शहंशाह ने आपको क्षमा कर दिया और अम्मी जान ने भी बड़प्पन दिखाया, परंतु हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं, हमारे अंदर शहंशाह मिर्जा हकीम जितनी शक्ति नहीं है कि हम आपको क्षमा कर दें। कम से कम आपको हमें बताना चाहिए था। यदि बता नहीं सकते थे, पत्र में लिख नहीं सकते थे, तो यहाँ पर आकर बताना चाहिए था कि शिवानी किसी और से प्रेम करती। बापू, आपके इस झूठ के कारण न केवल आमेर कलंकित हुआ बल्कि मुगल खानदान को कितना ठेस पहुंचा। आप हमें कष्ट दे सकते थे, हम आपकी संतान है, कुछ नहीं कहते, परंतु आपने जो हमारे परिवार के साथ किया, उनको छला, उसके कारण हम आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। आपके कारण मुगल सल्तनत के यश पर कीचड़ उछला है बापू साहब। आपको हमें बता नहीं चाहिए था बापू साहब, हम कुछ भी करते, शिवानी को समझाते या फिर इस संबंध को इतना आगे ही नहीं बढ़ने देते। कम से कम हमारे पति को ठेस तो नहीं पहुंचती, हमारे देवर जी का अपमान तो नहीं होता। प्रेम को हम सदैव याद रखेंगे, परंतु ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे बापू साहब कि आपने हमारे परिवार को चला है। मुगल खानदान की ये जोधा बेगम जिस बात के लिए आपको कभी क्षमा नहीं करेगी।